प्रदेश स्तर पर चालक परिचालक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मन बनाया है। इसी कड़ी में खरगोन जिले का चालक परिचालक संघ सड़कों पर उतरा है और प्रशासन को अवगत कराया। आप सब भली भांति जानते हैं कि बसों के ड्राइवर और कंडक्टर विगत 7 दिनों से अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और इस बीच संघ ने ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत भी कराया था, लेकिन लाख जतन के बावजूद भी कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध नहीं ले रहा है। लिहाजा परिस्थितियों को देखते हुए अब संघ ने फैसला लिया है कि अगर संघ की मांगों को सरकार नहीं मानेगी तो बसें चालू होने के बावजूद भी कोई काम पर नहीं जाएगा। इसी के चलते संघ ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष अंतिम सेन ने बताया कि प्रदेश स्तरीय चर्चा के बाद हम हड़ताल पर जाने को मजबूर हैं। वहीं मीडिया से रूबरू सेन ने यह भी बताया कि 3 माह से हमारी रोजी रोटी छीनी हुई है, बावजूद इसके कोई सूद नहीं ले रहा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कि हमें 6 माह का 7,500 रुपये महीने के हिसाब से भत्ता हमारी बैंक खाते में दिए जाए एवं शासन की योजनाओं के आधार पर हमें राशन फ्री में दिया जाए, चाहे हमारे पास गरीबी का कूपन हो या ना हो, हमारे लाइसेंस के आधार पर हमें राशन दिया जाए एवं हमारे परिवार में कोई भी बीमार ग्रसित कुछ होता है तो उसे निशुल्क हॉस्पिटल में सेवाएं दी जाए। दूसरा ये कि अगर हमारी मांगे पूरी होती है और अगर बसें भी हमारे संस्था के लोग या चालक परिचालक जाता है और अगर उसे इस कोरोना महामारी से अगर बीमारी लगती है तो उसे कोरोना योद्धा में शामिल किया जाए और जो प्रशासन शासन के ड्राइवरों को योजनाएं दी जा रही है जैसे 50 लाख का बीमा, वही बीमा हमारे भी कर्मचारियों को दिया जाए और मृत्यु होने में 50 लाख रुपए की सहायता राशि हमारे परिवार को दी जाए एवं नियुक्ति प्रमाण पत्र समग्र आईडी से दिए जाए, श्रम विभाग से हमें नियुक्ति पत्र दिए जाए। हमारी मांगे विगत 4th महीना चालू हो चुका है लॉकडाउन को, हम बसों पर हमारी गाड़ियां बंद है, पहिए थमे हुए हैं। इन 4 महीनों से हमारा परिवार लालन पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं, जिससे 3 महीने तो हम घर बैठ के खा लिया, किसी से रिश्तेदार से या किसी से इधर उधर से व्यवस्था करके 3 महीने काट लिए, और 4th महीना चालू होने के बाद हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम एक टाइम भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, ना हमारे बच्चों का लालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उन्हें पढ़ाई में कोई पैसा दे पा रहे हैं, ना कोई उनकी सहायता राशि कर पा रहे हैं। इसलिए हमने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक धरना आंदोलन किया था, मगर इन 7 दिनों में भी ना केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकार ने, ना ही किसी नेता ने हमारी कोई सूद ली। नहीं सूद लेने के बावजूद आज हमने पूरे प्रदेश पे 52 जिलों में हमारी एक मीटिंग हुई मोबाइल द्वारा, और हमारे खरगोन में भी आज मीटिंग हुई कि हमने विचार किया कि अभी हमें आगे लड़ाई किस तरह से लड़ना चाहिए। हम सब लोगों ने हमारी सहमति दी कि हमारा धरना आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जारी रहेगा और अगर बीच बीच में बसें चालू होती है तो हम कुछ बसों पे कोई कार्य नहीं करेंगे और हमारी स्वेच्छा से हम गाड़ियों पर नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सेन उर्फ अंतिम सेन, चालक परिचालक, जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।